पर मुजफ्फरपुर से है जहां पर अपराधियों का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि कहीं भी किसी भी समय गोली चला के आराम से फरार हो जा रहे हैं। ताज़ा मामला मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र की है जहां पर रविवार की शाम अपराधियों ने एक ठेकेदार को गोली मार दी। गोली उसकी गर्दन में लगी है। स्थानीय लोगों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मुजफ्फरपुर के SKMCH में भर्ती कराया जहां से परिजन उसे शहर के एक निजी अस्पताल में ले गए। वहीं मामले में घायल ठेकेदार मीनापुर के चांदपरना निवासी 35 वर्षीय उदित कुमार ने बताया कि रामदर्श नामक व्यक्ति से उसका लेन देन चल रहा था। पैसा देने के नाम पर वह घर से उसे बुलाकर ले गया और सलेमपुर में गोली मरवा दी। देखिए इस वीडियो को। सर, हम एक गरीब परिवार के एक बच्चे हैं जो अपने जमीन जथा बेच एक ठेकेदारी को शुरू किए, उसके कारण आप कल भी बात कर सकते हैं। अभी हम परेशानी में हैं, हमको इलाज करवाइए और हमको कैसे भी हमको जीवित करवाइए। और रामदरस और चौधरी सहनी मरवाया है, चंदन जी से जो कोई विवाद था हम उनको साथ चले गए। इसको कारण वो सोचा कि वो चंदन को दोस्त और मेरा दुश्मन है। इसको कारण वो पंकज गोली मारने के लिए मिथुन कुमार गोली चलाया और पंकज सहनी पिता सोगारत सहनी को पुत्र गोली चलाने में 4 आदमी थे जिसमें हम 2 आदमी को पहचानते हैं, बाकी लोग को हम बाइक से जी 2 बाइक से इस सलेमपुर में घटना हुआ है। सुप्रंजन सहनी को घर के आसपास मेरा घर चांदपना में मीनापुर अभी तो हमको मालूम हुआ है। तो हम खुद आए हैं यहाँ देखने और मालूम हुआ है कि यहाँ 2-4 जन मिल करके इसको खदेड़ा है, खदेड़ करके गोली चला दिया है। जो गोली अभी फंसा हुआ है तो पहले तो इसका जान बचाना उचित है ना। तो हमारी बात हुई है यहाँ डॉक्टर लोगों से, सीनियर डॉक्टर लोगों से भी बात हुई है क्योंकि स्पाइनल में के नज़दीक जो है गोली फंस फुलका हुआ है, स्पाइनल टच नहीं है अभी। अब इसके लिए बेहतर इलाज के लिए हम लोग इसको पटना भिजवा रहे हैं जहाँ इसका बेहतर इलाज है। कितनी गोली लगी है? एक गोली लगी। पुलिस को अभी तक पहुँचा नहीं है। हम तो यहाँ पहुँचे हैं लेकिन पुलिस पहुँची नहीं है अभी तक। अब पुलिस को खबर है कि नहीं है ये तो हमको भी मालूम नहीं है। SKMCH में मतलब इलाज या गोली निकलने का कोई जुगाड़? यहाँ स्पाइन में अगर स्पाइन के नज़दीक कोई घटना ऐसा है कि यहाँ गोली लगा हुआ है तो उसके लिए यहाँ जैसा कि डॉक्टर लोग बताते हैं कि उसके लिए व्यवस्था यहाँ नहीं है। बेहतर है कि यहाँ से पटना ले जाया जाए। तो पहले तो इसका जान बचाना है ना हमको।